दर्शन से हम धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। सभी फादर्सगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पूरे कलीसिया में ईस्टर का चौथा रविवार मनाते हुए गुड शेपर्ड संडे यानी अच्छे गडेरिया का दिन मना रहे हैं। जिस येशु ने अपने आप को अच्छा गडेरिया बनाकर अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण त्याग किया, उसके आज्ञा से उनके भेड़ों जैसे ही अपने जीवन उनके लिए समर्पित करते हैं, वैसे ही हम आज सभी अपने अपने परिवारों के साथ इस पवित्र भोजन में सहभाग लेते हुए अपने आप को समर्पित करें और इस रहस्य में बलिदान में सहभाग लेने के लिए हम पात्र बने, इसलिए हम अपने पाप स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ कि इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्ग दूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम सभी आज के इस अच्छे गडेरिये के दिन हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे और उनका महिमा गाए। महिमा
सब गाते हैं तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए महिमा हो, 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 हो महिमा हो, हो, हो महिमा हो, हो महिमा महिमा ईश महिमा सीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए महिमा हो, 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 हो महिमा महिमा हो, 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 हो महिमा हो, हो, हो महिमा हो। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहां संतों की मंडली अनंत आनंद मनाती है, जहां गडेरी है प्रभु यीशु क्रिस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र भेंडे भी पहुंचे, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानि युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। पेंतिकोस के दिन पेतुस ने ग्यारों के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे महामर्त हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। ये पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3,000 लोग शिष्य में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाह है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाह है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाह है,
मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदान में चराता, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही को न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी तेरे डंडे मुझ पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरा सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार मैं तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंतकाल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। संत पेत्रुस का पहला पत्र। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने आपको उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्व विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट कर आ गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वो भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़े उसकी आवाज पहचानती है, वो नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपने भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उसे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने यह दृष्टांत सुना दिया
किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरगाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय फादर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईस्टर का चौथा रविवार, आमतौर पर हमारे नए कैथोलिक लिटर्जिकल कैलेंडर में गुड शेपर्ड संडे यानी अच्छे गडेरिया के रूप में कहा जाता है। आज के दिनों में हम सभी हमारे पाचारण के लिए, वोकेशन के लिए भी प्रार्थना करना आवश्यक है। आज एक ऐसा दिन जिस दिन प्रार्थनाओं को धार्मिकता और धार्मिक जीवन के लिए बुलाहट हमें दी गई है। अपने लोगों के चरवाहे के रूप में प्रभु ईश्वर की छवि परमेश्वर के लोगों के इतिहास में एक लंबी परंपरा है। चरवाहा की छवि वह है जो नए नियम न्यू टेस्टमेंट में कई बार दिखाई गई है। यह वह गुड शेपर्ड के रूप में पुकारा और देखभाल के रूप में सौंपी गई, अपने भेड़ों की देखभाल करने का वादा प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में करता है। हमारे पास यीशु के लोकप्रिय चित्र अच्छा गडेरिया के रूप में प्रकट किए गए हैं, जो एक भेड़ को अपने गले लगाकर अपने साथ रखता है, उसके अपने गोद में थोड़ा सा भेड़ का बच्चा दिखाया है। चरवाहे की एक छवि हमें अपील करती है, क्योंकि यीशु एक भेड़े को अपने पीठ पर उठाकर लेते हैं। उन सभी चित्र से हमें क्या प्रकट होता है? यह यीशु की कोमलता और उसकी करुणा को दर्शाता है। जब उन दिनों एक चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता था और उन्हें चारागाहों, पानी और आश्रय के लिए सुरक्षित रास्ता बताता था, भेड़ों ने उसका पीछा किया, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और उन्होंने उस पर भरोसा किया। एक अच्छे चरवाहे, एक अच्छे गडेरिया के रूप में यीशु की एक छवि हमें आश्वस्त करती है कि वह जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा पर हमेशा हमारा समर्थन है। जब हम अपने जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का सामना करते हैं
और यीशु की उपस्थिति में गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, तो वो गुड शेपर्ड हमें आश्वस्त करता है कि वो हमें छोड़ नहीं दिया जाएगा, कि यीशु हमारा समर्थन कर रहा है और हमें पकड़े हुए हैं, अपने गोद में पकड़े हुए हैं। भजन यानी स्तोत्र भजन 23 हमें विश्वास दिलाता है कि गुड शेफर्ड के रूप में ईश्वर उसकी भेड़ों को हरे चरगाहों में ले जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वह चरवाहा हमेशा एक आरामदाता के रूप में रहता है, खाली खुशहाली के रूप में रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रेरितों के कार्य से आज की पहला पाठ हमें तपस्या और रूपांतरण के लिए बुलावा देती है। जब पेंटिकॉस आया था, तब पवित्र आत्मा से भरा पेत्रस भीड़ के सामने खड़ा था और उनसे कहा कि उन भीड़ को उन्हें अपील की कि आपको पश्चाताप करना चाहिए। उसने उन्हें अपने पापों से दूर होने और एक नया जीवन स्वीकार करने के लिए बुलाया। वो बुलाहट नया जीवन के लिए थी। आज के दूसरे पाठ में पेत्रस ने ईसाई जीवन में आने वाले दुख कष्ट के महत्व पर जोर दिया। दुख मानव स्वभाव का हिस्सा है, अपने जीवन का एक भाग है, और सभी को उसके जीवन में दुख सहन करना पड़ता है। खुद यीशु ने इस दुख को अपनाया, सहन किया। वह ईसाई समुदाय से कहता है कि उनके दुख से मसीह ने हमें उन्हें स्वीकार करने का एक उदाहरण दिया और उन्होंने अपने मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार एक महान अभिनेता, अच्छा गायक ने एक बड़े थिएटर में एक अद्भुत प्रदर्शन किया जिसके शीर्ष पर तालियों के दौर थे। उन्हें फिर से बुलाया गया और उन्हें पूछा गया, क्या आप हमारे लिए स्तोत्र गीत 23वें के भजन करेंगे? वह सहमत हो गए। उन्होंने इसे एक अभिनेता के रूप में सुनाया पूरी तरह से, जहां तक कुछ भी वंचित नहीं था, जहां तक एक प्रदर्शन का संबंध था। जब वह समाप्त हो गया तो फिर से बहुत जोर से तालियां का गड़गड़ाहट हुआ। तब अभिनेता मंच के सामने आए और वहां ही एक सामने की पंक्ति में बैठे हुए बुजुर्ग मंक फादर को उस 23वें भजन को दोहराने के लिए निवेदन किया। बड़े शालीनता से वो मंक वो फादर स्टेज पर पहुंचे। उस बुजुर्ग सज्जन निश्चित रूप से भयभीत थे, तड़पते हुए मंच पर पहुंचे। डर से वह विशाल दर्शकों को देख रहा था। फिर जैसे ही वह केवल एक के साथ घर पर था, उसके
दर्शकों को महसूस हुआ कि अपने आंखें बंद कर वो फादर ने, वो मंक ने अपना सर झुकाया और भगवान से बात की और कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। ऐसे ही वो पूरा पंक्ति एक के साथ एक पूरा किया। जब उस बुजुर्ग ने वो 23वां स्तोत्र गीत समाप्त किया तो कोई वाहवाही नहीं हुई, लेकिन उस पूरे थिएटर में एक भी सूखी आंख नहीं थी। अभिनेता मंच के सामने आए, वह भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, देखियो देवियों और सज्जनों, यह सुंदर स्तोत्र गान था। आप देखते हैं, मैं 23वें स्तोत्र के शब्दों को जानता हूं, लेकिन यह आदमी चरवाहे को जानता है। मैं 23वें स्तोत्र को जानता हूं, लेकिन यह आदमी, यह बुजुर्ग मंक चरवाहों को जानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं विशेष करके आप सभी को इस कहानी से यह विशेष संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार उस मंक ने अपनी प्रार्थना, अपने दिल से ये स्तोत्र कहा, गाया, उसी दिल से हम सभी यीशु को विशेष प्रकार से जानना चाहिए। सुसमाचार में हमें 5 विशेष रूप यीशु के प्रकट होते हैं। पहला है यीशु का नेतृत्व। एक अच्छे गडेरिये के नाम वो अपने भेंडों के आगे चलता है और उनके भेंडे उनके पीछे चलते हैं। दूसरी, यीशु की कोमलता और करुणा, जो हम चित्र में देखते हैं कि वो अपने भेंडे को गले लगाता है, गोद में लेता है। तीसरी है कि उसकी वो हमें आश्वस्त करता है, हमें खातरी दिलाता है कि हम कौन से भी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं तो वो हमारे साथ चलते हैं, हमें अपनाता है अपने दुख में, समस्याओं में और हर प्रकार के चुनौतियों में यीशु हमें आधार देता है। हमारे जीवन में वो आराम हमें आश्वस्त करता है। चौथी बात, इस सुसमाचार में हमें यीशु स्पष्ट करता है कि वह हमें सुरक्षित स्थल ले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में सुरक्षितता, आराम और शांति चाहते, और वो ही यीशु आज के सुसमाचार में हमें आश्वस्त करता है कि वो हमें सुरक्षित रखे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इन दिनों पूरे 1.5 महीना लॉकडाउन बने हुए हैं, हमारे घरों में सीमित है, तो हमारे लिए सुरक्षितता, आराम और शांति सबसे बढ़कर होती है।
क्यों हमारे जीवन को हम सुरक्षित रखें। यीशु जैसे अच्छे गडेरिया के रूप में अपने भेड़ों को गले लगाकर आराम देता है, वैसे ही वो हमें इन दिनों में जब बाहर असुरक्षितता है, हमारे स्वास्थ्य को चुनौती है, तो हम अपने परिवार में रहकर अपने आप को आराम देकर सुरक्षितता का अनुभव ले, वो अनुभव हम यीशु में भी ले सकते हैं। जो इन दिनों में आध्यात्मिक दौर से इन दिनों में प्रार्थना, बाइबल का पठन और हर प्रकार से प्रयास करके प्रभु भोजन में ऑनलाइन बनाए रखते हैं, उन सभी को यह महसूस हुआ होगा कि प्रभु में ही हमारी सुरक्षितता है, हमारी शांति है, हमारा स्वास्थ्य हमें वो दिलाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वैसे ही आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित मार्ग पर चलना चाहते हैं तो, और उन्हें प्रभु यीशु की कोमलता और करुणा का अनुभव लेना चाहते हैं क्या, तो हमें अपने आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम न पछतावे, घर में रहकर हम बोर न बन जाए, हमें यह बात की महसूस करना चाहिए कि हम जब हमारे आध्यात्मिकता में बढ़ते रहते हैं, प्रार्थना में बढ़ते रहते हैं, तो हम श्रद्धा में स्थिर होते हैं। जिस चरवाहे ने, जिस गडेरिया ने हमें आश्वस्त किया है कि बी फर्म इन योर फेथ, वैसे ही हम सभी पेत्रुस जैसे कि हर दुख में, हर कष्ट में वो आश्वस्त रह गए और ईश्वर के करुणा का और उनकी कोमलता का अनुभव करें। आज के इस अच्छे गडेरिया के, अच्छे चरवाहे के, यानी गुड शेपर्ड संडे में हम अपने जीवन को यीशु को यीशु की गोद में समर्पित करें और यीशु की कोमलता और करुणा का, उनके सुरक्षितता का, उनके नेतृत्व का हम सभी अनुभव करें। यही प्रार्थना आज के दिन हम करें। हम सब मिलकर हमारा विश्वास अच्छे गडेरिया प्रभु परमेश्वर पर एक साथ व्यक्त करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता है और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुवारी मरियम से जन्मे। इन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम अपने निवेदन ईश्वर के पास चढ़ावे। जैसे साधारण भेड़ और चरवाहे के उदाहरण के माध्यम से यीशु हमें समझाते हैं कि हम उनकी आवाज सुनना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यीशु अपने अनुयायियों के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए करता है, हम उनके माध्यम से पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संगियों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मसीह की भेंट रूपी विश्वासियों को भले चरवाहा के रूप में मुक्ति के मार्ग पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना। हम दुनिया भर में फैले सभी ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें ताकि पास्का के दौरान दोहराई गई अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वचनबद्धता को पुनर्जीवित कर सकें और सच्चे चरवाहे यीशु के प्रेमपूर्ण संरक्षण में रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि कैथलिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य यह दृढ़ विश्वास करें कि यीशु उसके नाम से जानता है और वह उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते या मानते हैं। प्रभु उन पर दया करें और उन्हें बचाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। यह पवित्र यूक्रिस्ट समारोह को ऑनलाइन रूप में अपने परिवारों और रिलीजियस कम्युनिटी से भाग लेने वाले सभी विश्वासीगणों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वे सब ईश्वर से अनुग्रह पाए और यीशु के बताए मार्ग पर चलते हुए उनका जीवन उसके हिसाब से बिता सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए और राष्ट्रों के लिए, जैसे हम उन सभी राष्ट्रों को ईश्वर की दया की ओर समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन राष्ट्रों को और लोगों को अपनी महती दया दिखाकर अनुग्रहित करें। हम अपने परिवारों के लिए, परिवार के विनंतियां, परिवार के इच्छा आकांक्षाएं स्वप्न और इन दिनों में जो हमें सहना पड़ता है वो सहने के लिए ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए जो कोई पीड़ित है उन पीड़ितों के लिए और जो गरजवंत है उनके सहायता के लिए हम प्रयास करना, इसलिए हम अपने सभी विनंतियाँ प्रभु ईश्वर के चरणों पर रखें। हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपनी भेंडी और भेंडों को निरंतर तितर बितर होने नहीं देती, परंतु हमेशा उनकी रक्षा और निगरानी करते रहते हैं। हमें यीशु की तरह विश्वासियों को सच्ची दिशा में ले चलने के लिए हमारी सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में कहाँ थे।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभो, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे, प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। यह विनंती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है, इसलिए पास्का के अवसर से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु यीशु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी देवता से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, इस हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके आदिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु की भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं शीघ्र लौटूंगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तू ही परम भला गडेरिया है,
अपनी भेंटों की रक्षा कर जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त में मुक्त किया है, इनको अनंत चरवाहा में ले जाने की कृपा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। आज आप लोगों ने पास्का समारोह के चौथा रविवार गुड शेपर्ड संडे में समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों को नित्य रक्षा करे, आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है, वही आप लोगों को अमर जीवन का पुरस्कार प्रदान करे, आमीन। आप लोग प्रभु के दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। गो इन द पीस ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक्स बी टू गॉड, हालेलुया।